शांति। आज 6 अप्रैल 2020, साकार मुरली, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। आज की मुरली का सार वंडरफुल है, अपने ऊपर रहम करो। अपने ऊपर रहम करने का बड़ा सीधा सा बात याद रखनी है कि मुझे कोई भी ऐसा कर्म, संकल्प, बोल नहीं करना है जिससे मैं दुखी हूं या और कोई आत्मा दुखी हो। इतना टेंशन देना है, यह है अपने ऊपर रहम करना। क्योंकि यदि हमने किसी को दुख दिया तो दुख लेना पड़ेगा, दुखी हुए तो फिर दुख देना भी पड़ेगा। प्रश्न है आज का कि माया के श्राप क्यों लगता है, श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर, बाप और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। क्योंकि एक बाप की श्रीमत ही कंप्लीट है और कोई भी दुनिया में या कोई भी स्वयं बाप समान संपूर्ण मत नहीं दे सकता। संपूर्ण का मतलब दोष रहित मत नहीं दे सकता। आसुरी चलन है, देवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते। आसुरी चलन है, देवी गुण धारण नहीं करते तो अपने ऊपर क्या करते हैं, बेरहमी करते हैं। देवी गुण धारण नहीं कर रहे तो इसका आसुरी गुण धारण कर रहे हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है, वे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनना माना बस नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मैं आत्मा, और बाप को याद करना है, मींस बाप के डायरेक्शन पर चलना है। माया रूपी रावण जो है वो श्रापित दुखी बना देती है। माया मींस बॉडी कॉन्शियस में आना और फिर देह के हिसाब से सोचना, ये माया है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वो अच्छी रीति जानते हैं, जो ना फरमान बरदार हैं, जो बाप का कहना नहीं मानते हैं, वे बच्चा है ही नहीं, तो बच्चा ही नहीं है। बाबा ने उसे निकाल कर अपने घर से रावण की दुनिया में छोड़ दिया। भल अपने को कुछ भी समझे परंतु बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते, जो माया के कहने पर चलते हैं और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, समझा नहीं सकते। सोचो, गोया अपने आप को आप पे ही श्रापित करते। सबूत है, समझा नहीं सकता, खुद नहीं समझा ना अभी तक।
बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते तो गोया माया की मानते हैं, गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर, बाप को याद करो। तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। बाप का कहना नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। किसका ताला लग जाएगा? माया का। माया का ताला लगने से क्या फायदा होगा कि देवी गुण अंदर घुसेंगे ही नहीं। कितना सुनते रहो मुरली, चिकने घड़े की तरह ऊपर पानी गिरता रहेगा और जाता रहेगा। अब ताला खोलेगा कौन? वो बाबा ही खोल सकते हैं। तो हम ताला लगा देवे माया का और बाबा ताला खोलता रहे, ठीक है, उसका काम है ताला खोलने का और हमारा काम है ताला लगाने का, नहीं चलेगा। श्री मत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर चलेंगे तो कुछ भी पद नहीं पा सकेंगे। भल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, ना करा सकते, तो उसका क्या हाल होगा? बाप तो गरीब निवास है, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है, फिर क्या प्राप्ति होगी? खूब मुरली सुनने आते रहे, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। पता है बाबा को, जानते हैं बाबा, समझते हैं बाबा कि ये बाहर निकलने पर माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आप घात करते हैं तो भी अपना ही सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, श्री मत पर चलो, अपनी मत पर मत चलो, श्री मत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा, लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो, जड़ मूर्तियों की शक्ल देखो, कितनी कैसी खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा उच्च पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए, सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते। क्यों नहीं भरती है झोली? झोली तो भरेगी जब बाप को याद करेंगे, याद ही नहीं करते झोली नहीं भरते। सुनने से झोली नहीं भरेगी। सुन तो लिया परंतु उसको माना नहीं तो क्या फायदा होगा? बेशक जाके घर भी 10 बार अपने आप को कहा मुझे बाबा ने कहा ये करना है, 10 बार लिख भी दिया ये करना है ये करना है ये करना है, पर तो किया नहीं, बाप का कहना माना नहीं, मिलेगा क्या? मिलना तो कहना मानने पर है ना। चाहे कितने भी लिखा हो, कितना भी अपने आप को समझाया हो, कितना याद किया हो, परंतु याद का मतलब केवल सुनना नहीं, सुनाना नहीं, समझना नहीं, स्वीकार करना है। स्वीकार करना है,
मगर महात्मा आकर पढ़ा रहे, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमने भगवान का कहना मानना है। आसुरी चलन चलते हैं, बाप बार बार समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। अपने पर रहम करना माना दैवी गुण धारण करना, और यदि हम दैवी गुण धारण नहीं कर रहे हैं तो आसुरी संप्रदाय, वो है ही आसुरी संप्रदाय, उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तानी स्वर्ग को कहा जाता है, परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी, वास्तव में ये अक्षर ही रोग है। मन को शांति मिलेगी ये अक्षर रोंग है, वास्तव में इसका अर्थ हो नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति मन को नहीं, शांति आत्मा को चाहिए। मन शांत हो गया तो वो स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, आत्मा है शांत स्वरूप, केवल स्मृति की जरूरत है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कहते मन को शांति मिली, अब मन क्या मतलब शांति से क्या है, मन को शांति कैसे मिले, अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं, कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते या वो करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग, क्योंकि बहुत समय 63 जन्मों से भक्ति का बुद्धि पर प्रभाव पड़ा हुआ है, इसलिए वही करते आ रहे हैं, वैसे ही करते आ रहे हैं सारा, वे सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। बाल किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु हैं तो फिर भी रावण राज्य में ना, कितना भी धनी हो कहाँ है वो सब, रावण राज्य में है ना। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं, नंबर वार तो है ना, समझाते रहते हैं, परंतु सब बच्चे नंबर वार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, कहते ठीक है जो पद मिल जाएगा ठीक है, हम अपनी तरफ से मुरली तो सुन रहे हैं ना, प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे, सर्विस नहीं करते तो अपने पर तरस नहीं आता, सर्विस नहीं करते तो अपने ऊपर तरस नहीं आता कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट इतना ही है, बस इसी लायक ही ये बनने वाले हैं। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो, योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। बाप का कहना मानेंगे नहीं तो कल्याण किस में होगा, एक ही तो कल्याणकारी बाप है, एक ही कल्याणकारी बाप है, उसका ही कहना नहीं मानेंगे तो उनका क्या कल्याण होगा। योग बिगर पावन बन नहीं सकते, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे
पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। योग में ना रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। बाबा को याद नहीं करेंगे, बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे, तो कल्याण हो नहीं सकता। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे? जब तक बाप का कहना नहीं मानेंगे, तब तक पवित्र कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत कच्चे, योग में कच्चे माना बाप का कहना मानने में कच्चे हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं है। तो याद बिगर विकर्म कैसे विनाश हो? फिर सजाएं बहुत खानी पड़ती, बहुत पछताना पड़ता है। वो स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते। वे स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते हैं। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़ी। क्योंकि जितनी भी ये स्थूल कमाई है, बहुत पछताना पड़ेगा, सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। बाप के डायरेक्शन पर कर्म ही नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। बच्चे बनकर बेअदब होते हैं। बेअदब मतलब कहना ना मानना, इज्जत ना करना, अदब ना देना, तो फिर बहुत सजा करते। बाप तो कहते अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त में अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। ऊपर से गिरा, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, हड्डियां पड्डियां टूटी पड़ी होगी। नाहक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम रहा। यहां भी ऐसे हैं, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्री मत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं। आगे चल हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी जाकर बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी, उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं। परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, भूले करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना, अब भूले करते रहेंगे तो सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना। जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण करो। बांधेलियाँ भी अपना कल्याण करती रहती हैं, फिर आप दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते, दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकते, दूसरों का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम अपना कल्याण तो करो। अब अपना कल्याण कैसे होगा? कमरे में बंद होकर बैठ जाए तो अपना कल्याण हो जाएगा? हम किससे बात नहीं करें तो अपना कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अपना कल्याण सबके साथ संपर्क में आने से है, सबके साथ व्यवहार कुशल बनने से है। बाबा ने हमें कोई सन्यासी बनने की ट्रेनिंग नहीं दी। बाबा ने यहां बंधेलियों को लिया है, बंधेलियां अपना कल्याण करती रहती हैं। बाबा के ज्ञान को समझ लिया है तो मुझे हर आत्मा के साथ एकदम बाप के डायरेक्शन पर सुख देना है।
वो कितना दुख दे, वो कितना दुख दे, परंतु मैंने उनको सुख देना है। मैंने किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है, वो रिश्ता कोई भी हो, मैंने सबको सुख देना है। परंतु सुख भी कौन सा देना है, जिस्मानी नहीं, रूहानी सुख देना है। क्योंकि मैं बंधन में क्यों हूं, क्योंकि मैंने दुख दिए हुए हैं, जिसके कारण वो दुख आज मुझे लेने पड़ रहे हैं। और मैं सुखी क्यों हूं, क्योंकि मेरा अकाउंट बराबर हो रहा है, मेरा अकाउंट बराबर हो रहा है। जैसे जैसे अकाउंट बराबर होता जाएगा, हम सुखी होते जाएंगे, हमारा कल्याण होता जाएगा। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, खबरदार रहो नाम रूप में फंसने से, माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं, बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाप समझाते हैं, कर्म इंद्रियों से कभी खराब नहीं काम नहीं करना। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना। स्कूल में कोई बद चलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं, बहुत मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते हैं, इसने ऐसे बद चलने की, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए, सर्विस नहीं करते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए माया का वार होता है। एकदम छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे, बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, खबरदार रहो, कहां अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बाला करते हैं, कोई फिर गंदे बन पड़ते हैं। यहाँ तुम जानते हो, तुम आए हो अपनी सदगति करने, ना कि बुरी गति करने के लिए। बुरे से बुरा काम है फिर क्रोध, बुरे से बुरा है काम विकार, फिर दूसरे नंबर पर है क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया वार करके श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं। गोया अपने को श्राप देते हैं तो बाप समझाते हैं, बड़ी संभाल रखनी है। कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन गंद किया, असुर बन गंद किया, वे फिर ये ज्ञान सुना नहीं सकते। जो गंद करेंगे वो फिर ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, उनकी अक्ल को ताला लग जाए। दो ताले लगे आज बाबा ने, एक माया का ताला लगता है, एक बाबा आकर ज्ञान सुनाते और फिर उनकी बुद्धि को कौन सा ताला लग जाएगा, माया का ताला। ताला माया का लगता है फिर वो ज्ञान सुना नहीं सकते। जहां गलती की विकार में गए तो फिर वो दूसरों को नहीं कह सकते कि तुम पवित्र बनो। पाप कहते हैं अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए, कम से कम अपनी सेवा तो करो।
बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। बस बाबा को याद करते रहो तो अंत में आप घर चले जाएंगे। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आत्मा को घर जाना है ना, आत्मा ही राही है ना, आत्मा को ही रोज समझाया जाता है ना। तो आप बाप को, घर को और वर्षे को, तीन चीजें याद करनी है। बाप को याद करना है, एक घर को याद करना है, एक वर्षे को याद करना है। अपने को देखना है, माया कहीं धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूं, ऊंचे ते ऊंचे बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, ये है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाप कहते हैं बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो, कुदृष्टि छोड़ दो, दे अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों को दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। ये पिछली बात को हम फिर ध्यान से जरा देखेंगे। दे अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। आत्म अभिमानी है तो हमें सब आत्माएं भाई भाई दिखाई देंगे। और कुदृष्टि देह अभिमान में होगी, देही अभिमान में शुद्ध दृष्टि। तो कुदृष्टि जब बैठती है, दे अभिमान वाली दृष्टि जब बैठती है तो सब कुछ गलत दिखाई देता है, वृत्ति ही गलत हो जाती है। दृष्टि तो वही है, आंखें तो वही हैं, देख तो वही रही हैं, परंतु देख वैसा रही। दृष्टि सिर्फ बाप की तरफ ही रहनी चाहिए, सिर्फ बाप क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं, हमें वही करना है। वर्षा बहुत ऊंचा है, विश्व की बात सही, कम बात है क्या? एक छोटी सी दुनिया की नौकरी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और स्वर्ग की बादशाही लेना कोई कम बात है क्या? स्वप्न में भी किसी को नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। किसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पढ़कर उच्च पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा और सतगुरु भी खुश होगा, और वो तीनों एक ही है। वंडरफुल बात है ना, वो तीनों एक ही है, खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे ये खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। बाप के तो कहते हैं, बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, सौभाग्य सौभाग्य खोलते, सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, सो फिर 100% दुर्भाग्यशाली बन गए। सौ प्रतिशत दुर्भाग्यशाली बने हैं, फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया है, धर्म के जो भी जो बड़े बड़े हैं वो भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख करके जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो। अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं, झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम ये नॉलेज सुनते हो,
फिर अपने देश में जाकर बताओ, बच्चों को जाकर समझाओ कि बेहद का बाप स्वयं आकर अब ज्ञान दे रहे हैं। यानी बाप को याद करेंगे, बाप के कार्य में जो सहयोगी बनेंगे वही तो बाप को प्रिय लगेंगे। तुम ये नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो, परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन पर चलो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो ये बड़ी याद रखने की बात है। योग के लिए तो वे चाहना रखते हैं कुछ ना कुछ, किस लिए योग लगा रहे हैं? हठ योगी सन्यासी तो उन्हों को योग सिखला ही नहीं सकते, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि योग होता क्या है। उन्हें बाप से मुलाकात नहीं हुई, बाप से ज्ञान लिया नहीं, बाप से योग लगाया नहीं, वो कैसे दूसरों को योग सिखा सकते? हठ योगी सन्यासी तो उन्हों को योग सिखला नहीं सकते, तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है ना। तुमसे कोई एक तुमसे कोई भी अच्छी रीति ये नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर हो जाएंगे। एक बुद्धि की आवश्यकता है, एक बुद्धि के में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी आएगा, आ डालेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है, नहीं तो बाप को याद करने करें करना कैसे है? सीखें, बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई नियम अलग अलग नहीं है। ये बात बहुत समझने वाली होगी, बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई ना कोई निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, यहां फिर तुम्हारी है सबसे प्राचीनतम नॉलेज जो सब वेदों से पहले थी। यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज है, ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति सब नहीं समझेंगे, कोई अच्छी रीति समझेंगे। यहाँ तो या तो मिशन बाहर जाएगी या फिर यहाँ आए या यहाँ से बाहर। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे, जो भी धर्म को मानने वाले हो। बाबा कहते बाप को याद करो तो तुम अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे, अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं, नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह ना सके, वो पादी ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो, बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी अच्छे सुंदर हैं, सुंदर बनते रहते हैं, सुंदर चीज़ होगी तो म्यूजियम और सुंदर होगा, और ही सुंदर होगा, बहुत आएंगे देखने के लिए। कितना कितने बड़े शिव उतना अच्छी रीति समझेंगे नहीं, शौक रहना चाहिए। हम ऐसे समझाएं सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मणों ब्राह्मण बन हैं बने हैं,
तो जिंदा कि जितना सर्विस करेंगे उतना जिंदा दिली से आगे रहेंगे। तो जितना सर्विस करेंगे उतना बहुत उच्च पद उत्पन्न होगा, यहां भी मान तो वहां मान। तुम पूज्य बनेंगे, ये ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो, बाप कहां भी सर्विस पर भेजे इसमें कल्याण ही समाया हुआ है। इसमें कल्याण है, बाप कहां भी सर्विस पर भेजे। एक बाप है, अभी होलसेल में मौत सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना, होलसेल विस्तार से फुल बड़े एकदम हाई लेवल पर। वर्षा भी होलसेल देते हैं ना, 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई ले लो। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी। विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन, ये चित्र तो फर्स्ट क्लास है। इसमें बाप की महिमा पूरी है। बाप ने तो फिर भी कहा है बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है, ये छोटा सा बच्चा है। ये वर्षा गॉड फादर ने दिया है। सतयुग में थोड़े ही है, फिर फेर घेर अदली बदली कर किसने अपने लिए, किसने की अदला बदली फेर बदल किसने की, जिसने जरा भी कोई नहीं जानते। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वे भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती हैं, विलायत में भी जाना है। एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरी तरफ मारा मारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, जो हो गया वो फिर कब होगा, 5000 साल के बाद इसी समय ऐसी सेकेंड ऐसी से। जो हो गया वो फिर 5000 साल बाद रिपीट होगा। परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। के लिए मुख्य सार है, सदा एक बाप की तरफ दृष्टि रहे। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, माया के धोखे से बचना है, कभी किसी पर कुदृष्टि नहीं डालनी है, अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहते रहना है, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, कोई भी बदचलन नहीं चलनी है।
वरदान। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भाव। एकता और संतुष्टता का सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भाव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है, एक संस्कारों को मिलाने की यूनिट, सबके साथ अपने संस्कार मिलाकर रखने, दूसरा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी क्या करेंगे फिर आप संतुष्ट, सोचो जो दूसरे को संस्कारों को मिलाने की यूनिटी चाहिए, सबके साथ हमारे संस्कार मिलाने हैं, दूसरा स्वयं भी सदा संतुष्ट तथा दूसरों को भी क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे, सदा एक दो में स्नेह की भावना से श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी और उस दर्पण में बाप जो है जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। स्लोगन है, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो, बाप का परिचय दो, ठीक है कि नहीं, इसे कहते जीवन दान देना। अच्छा, ओम शांति।